हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी दोपहर का टाइम होगा, दोपहर क्या 12:30 या 1 बज रहा होगा, वो वाला टाइम हो रहा है। मैं नहा ली हूँ, नहा कर मतलब जो भी सिंदूर लगाना या बिंदी बिंदी लगाना जो भी करना होता है वो लगाना। और आजकल तो स्किन बहुत ड्राई ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइजर लगाए बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो अभी जो है नहा ली हूँ, बाल बाल नहीं, मैं पूरे नहीं काट बढ़ा कर रही क्योंकि पूरे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अभी मैंने बस ऊपर ऊपर से कर लिए हैं, बाद में कर लूँगी। और आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों का टाइम 3 बजे आने का है। तो अभी भी फिर मेरे पास 2 घंटे हैं। और नहाना धोना थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, वैसे तो मैं जल्दी कोशिश करती हूँ जल्दी करूँ, लेकिन नहीं हो पाता फिर भी, क्योंकि काम करके झाड़ू पोछा सारा मैं नहीं करती, बट जो करते हैं जिनसे करवाती हूँ, वैसे तो हाउस हेल्पर लगा रखी हैं तो, लेकिन हाउस हेल्पर के साथ साथ काम भी करना पड़ता है, कितना ही कर लो लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और 12:30 या 1 बजे का टाइम होगा। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए खाना। तो खाने में मैंने बनाए थे आज सब्जी भर के पराठे। मतलब मुझे ना सब्जियों के भर के पराठे बहुत पसंद हैं। आप लोगों को पसंद है कि बताइएगा, ज़रूर पसंद है कि नहीं कमेंट करके। और मुझे बहुत पसंद है, जैसे गाजर आलू हुआ, सर्दियों में यही सब्जियां ज़्यादा चलती हैं। अब इनको सब्जियों को ज़्यादा खाओ भी तो कितनी बार खाओ, तो सोचा थोड़ी सी सब्जी है तो इसको भर के पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर भरकर बना रही हूँ गाजर आलू की सब्जी के भर के पराठे, बहुत यम्मी लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड सुबह खा गए थे पराठे और लंच लेकर गए थे प्रॉपर, जैसे मैंने दाल बनाई थी, वैसे तो खाने में दाल बनाई गई थी लेकिन था क्या कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि दाल खाऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए पराठा ही सेक लूं। और दिन में ही खाती हूँ, रात को कम ही खाती हूँ खाना, कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ, रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो अभी जो है मेरा पराठे सिक गए, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना पराठे सिके हुए, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। गाजर आलू के तो स्पेशली भरे हुए पराठे मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब खाना बना रही थी ना, तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना, अभी देखो कितनी अच्छी रोशनी आ रही है किचन में, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से अंधेरा अंधेरा हो गया और मौसम एकदम ख़राब होने लग गया। तो 1 फरवरी का वीडियो है, ज़्यादा दिन का नहीं है, और एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया, अजीब सा मौसम हो गया, और बिल्कुल वो बारिश होने का मौसम हो गया, तो बारिश होने लग गई थी रात को, तो काफ़ी बारिश हुई। और अभी यहाँ पर मैंने बना लिए अपने पराठे, तो आप लोग भी खा लीजिए, चाय और चटनी के साथ खा रही हूँ मैं। और देखो कितना अंधेरा हो रहा है कमरे में। तो अभी जो है मैंने खाना वाना कर लिया है, क्योंकि मैं नाश्ता तो सुबह नहीं करती, नहा के सीधे खाना ही खा लेती हूँ, नाश्ता वगैरह क्या। और कल से काफ़ी मौसम ख़राब हो गया है, हल्की हल्की बारिश हुई थी कल दोपहर में, धूप भी निकल रही थी अच्छी खासी, लेकिन शाम को ज़्यादा बारिश हुई। और आज तो बिल्कुल ही मतलब मौसम ख़राब हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया, मुझे लाइट जलानी पड़ी रोशनी करने के लिए, घर में बिल्कुल वैसा ऐसा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है अभी भी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की, और बच्चे स्कूल गए हुए हैं, 3 बजे तक स्कूल से आएंगे वापस, और अभी 2 बज रहे हैं लगभग, पूरा टाइम भी अभी काफ़ी है मतलब अभी, और इतनी ठंड हो रही है ना, बस दिक्कत कोई जगह नहीं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा, बारिश हो रही है, देखो ये देखो बारिश, ओहो बादल बादल कितना गरज रहे हैं ना, कितनी तेज़ हवा आ रही है। और मुझे लगता है अभी 2-3 दिन लगातार रहेगी, वैसे तो कहते हैं कि बारिश के होने से ठंड कम हो जाती है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ठंड कम हुई है, अभी तो मुझे ठंडा लग रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़ नहीं मतलब अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है, तेज़ हो जाएगी, बादलों की आवाज़ आपको आ रही होगी। और अभी जो है मैं उसी जब बारिश हो रही थी बाहर, तो मैं अंदर आ गई और मैंने कहा ये कपड़े तय बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने का तो मुश्किल ही लग रहा था क्योंकि धूप तो थी ही नहीं, तो मैंने आज कपड़े तो नहीं धोए। और अभी जो है जो कपड़े पहले के थे उनको तय बना कर रख रही हूँ, तो अभी और दोपहर के टाइम यही काम कर सकती हूँ, क्योंकि बारिश बाहर हो रही है तो कोई वैसा काम तो कर नहीं सकते, और बिस्तर पर बैठ के ही काम हो पाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी ना इस टाइम जब बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो मैंने टीवी भी चला रखा था, म्यूज़िक चला कर मैं करती रहती हूँ काम। और आजकल हो क्या रहा है कि टाइम का पता नहीं चलता, 10 मिनट का काम करोगे और 10 मिनट का काम वो पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा बीत गया। और मौसम बहुत
ठंडा हो गया था एकदम से ना, और फरवरी आ गई थी, लग भी नहीं रहा था कि मतलब इस बार ज़्यादा बारिश वारिश होगी, लेकिन एकदम से मौसम ने चेंज हो गया। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम, तो शाम को ठंडा बहुत हो गया था, तो मैंने अपने सर पर कैप लगा ली। जब सर पर कैप लगाई ना, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब ठीक लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मैं यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। शाम के टाइम यही सारे घर के काम, और क्या काम होते हैं, दूध उबालना हुआ, खाने की तैयारी करना हुआ, यही सारे काम होते हैं वैसे तो। तो अभी जो है दूध बॉईल, और मैं बीच बीच में बच्चों को देख भी रही थी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आजकल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वाइवा हुआ, ये सब हुआ, ये सब भी होने हैं, तो वो भी देख रही थी मैं बीच बीच में। और अब के टाइम की पढ़ाई ना बहुत अलग ही हो गई है, पहले काफ़ी इजी रहती थी कि बस हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे, अब क्या है कि वाइवा अलग होगा, ओरल अलग, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल अलग होंगे, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। और अब बच्चों पर थोड़ा सा लोड भी बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे काम ऐसे होते जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बना के देना है तो मार्क्स अलग अलग मिलते हैं, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट हुआ, 5 मार्क्स का ये हुआ, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं बच्चों की स्टडी में, तो उसमें फिर कितना ही कर लो फिर भी मदर को हेल्प करनी ही पड़ती है। तो अभी जो है बच्चों को बीच बीच में चेक करती रह रही थी, और करते करते फिर जो भी लंच बॉक्स वगैरह जो होते हैं, लंच बॉक्स के साथ साथ दो एक जो बर्तन जो भी ज़रूरत के होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर शाम को नहीं आती हैं, और कितनी भी हम हाउस हेल्पर कितना भी रख लें हम, फिर भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और कांच के जितने भी होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ साथ के साथ, क्योंकि कांच के टूटने का डर रहता है, सिंक में पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अभी जो है लंच बॉक्स वगैरह हुए, दो चार बर्तन, दो चार के चक्कर में सारे ही हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने के होते हैं एक दो, तो लगता है कि इन्हें भी कर दो उन्हें भी कर दो, तो अभी जो है सारे बर्तन भी कर दूँगी। तो इसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।